हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम विशेषण संपर्क आलोचना करिबा। जो माने वर्तमान पर्यंत चैनल टिकु सब्सक्राइब करना प्रथमे चैनल टिकु सब्सक्राइब करूँ, जहाँफल कि प्रति वीडियोर नोटिफिकेशन आपण मानक यथाशीघ्र पहुँची पार। आरंभ करिबा आज आलोचना। विशेषण कहले कौन ना, जो पद अन्य पदर गुण अवस्था संख्या परिमाण इत्यादि को प्रकाश करे बा विशेषित करे ताहाकु विशेषण पद बोली कहा जाए। उदाहरण द्वारा बुझिबा, गोटे उदाहरण निया जाए छी, गुणी लोक सबुठारे आदृत हुआंते। ए जो गुणी शब्दटी व्यवहार करा जाए छी, एहा लोकर बा व्यक्तिर गुण संपर्क व्यक्त करुछे। सेथिपाई गुणी शब्दटी होची कौन ना विशेषण। ए जो विशेषण रही केते भागरे विभागीकरण करा जाए छी से विषय आलोचना करिबा। प्रथम पॉइंट होची गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कहले कौन ना, जेतबले कौनसी विशेषण पद विशेष्य पदर गुण को विशेषित करे बा प्रकाश करे ताहाकु गुणवाचक विशेषण बोली कहा जाए। उदाहरण निया जाए छी, सरल लोक माने सबुठी आदृत हुवंती। जो शब्दटी प्रयोग करा जाए छी सरल, एहा लोक माने जो सबुठी आदृत हुवंती लोक उनको गुण संपर्क रे सूचना देउछी। एठे हमको गोटे जिनिस लक्ष्य करिबा पय पड़िबो, ए जो विशेषण पदटी ये कौन है, विशेष्य पदर पूर्वरे व्यवहृत हो ना गुणवाचक विशेषण। परवर्ती पॉइंट रही विधेय विशेषण। विधेय विशेषण कहले कौन ना, कौन सी प्रकार विशेषण जदि विशेष्यर पर व्यवहृत हुए ताहाकु विधेय विशेषण कहती। जेतबेले कौन हेबो ना, विशेषण पदटी जेतबेले विशेष्यर पूर्वर व्यवहार करा जाए सेतबेले आमे कौन जानले गुणवाचक विशेषण। किंतु जदि सही जो विशेषण पदटी विशेष्यर परे व्यवहृत हुए ताहाले ताहा हेजबो विधेय विशेषण। पिलाटी बुद्धिमान, ए जो बुद्धिमान शब्दटी एहा विशेष्यर परे व्यवहृत होइछि विशेषण, सेथिपाई यह होची कौन ना विधेय विशेषण। आमको मन रखा पड़ो विशेषण पदटी विशेष्य पूर्वर किंबा परे व्यवहृत हो पारे। आम जानले जेतबले ताहा विशेष्य पूर्वर व्यवहृत हुए ताहा हेजबो गुणवाचक विशेषण। गोटे उदाहरण देख, धनी लोक जदि आम देखा धनी लोक ताहले ए जो धनी शब्दटी लोक कहले विशेष्य धनी होटे विशेषण विशेष्यर पूर्वर व्यवहार करा जाइछि सेथिपाई यह होची कौन गुणवाचक विशेषण। जदि आम धनी लोक न कहिकि जदि कहबा लोकटी धनी सेतबेले ताहा कौन होइछि ना विशेष्यर परे व्यवहृत होइछि, विशेष्य होइछि लोकटी, धनी कहिले कौन होइछि ना विशेषण, तोले परे व्यवहृत होइछि ताहा होइछि कौन ना विधेय विशेषण। परवर्ती पॉइंट होइछि अवस्थावाचक विशेषण। जेउ विशेषण पद विशेष्य पदर अवस्था को बुझाए बा अवस्था संपर्क रे सूचना दिए ताहाकु अवस्थावाचक विशेषण बोली कहा जाए। भंगा नाटी नदी रे बुड़ी गला, जो भंगा नौकार अवस्था को कौन करुची ना बुझाऊ से कौन ना अवस्थावाचक विशेषण। परवर्ती पॉइंट हूँ संख्यावाचक विशेषण। जेतबले विशेषण पदटी विशेष्यर संख्या संपर्क रे कौन करी थाए ना सूचना प्रदान करे ताहाकु संख्यावाचक विशेषण बोली कहा जाए। श्रमिकटी दिनकु 70 टंका मजूरी पाए, ए जो 70 एहा हेउची कौन एक टंकार सूचना दउची सेथिपाई एहाकु संख्यावाचक विशेषण कहा जाए। विशेष्य को विशेषित करुची 70 कहिले
ସେଥିପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ତାପରେ ରହିଛି ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଆମେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣରେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦଟି ବିଶେଷ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଲା ତାହା ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ 1, 2, 3, 4 ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ନ ହୋଇକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ, ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା 1, 2, 3, 4 ଏହିପରି ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ, କିନ୍ତୁ ପୂରଣବାଚକ ହେଲେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପାଞ୍ଚକ, ଦଶକ, ପନ୍ଦରକ, କୋଡ଼ିଏକ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଦ୍ୱିଧା, ତ୍ରିଧା, ଚତୁର୍ଦ୍ଧା, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇଛି, ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପାଞ୍ଚ, ତୃତୀୟ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟର ପରିମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଏ ତାହାକୁ ପରିମାଣ ସମ୍ପର୍କ, ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଟକରେ ମୋର ଗୁଣ୍ଠେ ଜମି ନାହିଁ, ଗୁଣ୍ଠେ ଜମି ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଠେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୁଣ୍ଠେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସାମାନ୍ୟ, ପ୍ରଚୁର, ହାତେ, ବସ୍ତାଏ, ଆଞ୍ଜୁଳାଏ, ଠେକିଏ, କିଲେ, ଏକରେ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କ'ଣ ନା ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥାଏ, ଯେପରି ଭାବରେ ବସ୍ତାଏ, ହାତେ, ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି, ତାହା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ବିଶେଷଣ ହେଇଥାଏ ପରିମାଣବାଚକ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରିମାଣଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥାଏ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ପ୍ରଚୁର, ଦଳେ, ଏଥିରେ ପରିମାଣଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ନା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଅନ୍ୟ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ, ବା କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ଅନ୍ୟ ବିଶେଷଣର ପରିମାଣ ବା ଆଧିକ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରମ ଦୟାଳୁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଦୟାଳୁ, ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ବିଶେଷଣ ପଦ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ପରମ, ଏ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି କ'ଣ ବିଶେଷଣ ଶବ୍ଦର ବିଶେଷଣ, ପରମ ଦୟାଳୁ, ଏହା ହେଉଛି ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଦୟାଳୁ କହିଲେ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ପରମ, ଏହା ହେଉଛି ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କହିଲେ କ'ଣ ନା ବିଶେଷଣ ପଦ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାପଦର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପବନ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ବହୁଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ମୃଦୁ ମୃଦୁ, ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ବିଶେଷଣ ପଦ, ଏହା କ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେଉଛି। ବହୁଅଛି, ମୃଦୁ ମୃଦୁ ବହୁଅଛି, ଏହା କ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସୂଚନା ଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ବିଶେଷଣ ପଦ ଯଦି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିଲି ନା ବିଶେଷଣ ପଦ ଯଦି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାହା ହେବ କ'ଣ ନା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ବର୍ଷା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହେଉଛି, ଖୁବ୍ କିପରି ହେଉଛି ବର୍ଷା, ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହେଉଛି, ଏହା ହେଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ବିଶେଷଣ ପଦ କ୍ରିୟାପଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା
कौन कर विशेष्यर क्रियागत अवस्था विषय सूचना दे था सेतो बले यहाँ को क्रियाज विशेषण बा क्रियावाचक विशेषण बोली कह जाए। उदाहरण देखिबा केतटी चलंता सगड़ चलंता कहले कौन ना क्रिया विशेषण को बुझाऊ उड़ंता पक्षी उड़ंता पक्षी उड़ंता क्रिया विशेषण। परवर्ती पॉइंट रही सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम पद विशेषण पद रूपे व्यवहृत हुए ताहाको कौन कहा जाए था सार्वनामिक विशेषण बोली कहा जाए। सर्वनामरु गठित होई बा सर्वनाम जेउठारे विशेष्यर निर्दिष्टता को प्रकाश करे ताहाको सर्वनामिक विशेषण बोली कहंती। एही सहर रास्ता बेस प्रशस्त एही ए होची कौन सर्वनाम पद विशेष्य शब्द सहर पूर्वरु कौन व्यवहृत हो यही एवं से ही सर्वनाम पद हेले निर्दिष्ट भाव चिन्हाई देवाई व्यवहृत होशेषण रूपे कौन करा कार्य करुच्छे तेणु यह कौन कह जाए था सार्वनामिक विशेषण बोली कह जाए था। एपरी कथा एमंत घटना एपरी एमंत ये समस्त कौन ना सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट पॉइंट रही अव्यय विशेषण जो विशेषण पद अव्यय पदर अर्थ को विशेषित विशेष भाव सूचित करे ताहाको अव्यय विशेषण बोली कह जाए। मोर मन है ठीक जेपरी भूमिकंप हो कौन कह ठीक जेपरी ठीक हेउची विशेषण पद जेपरी हेउची कौन ना अव्यय पद से ठीक जेपरी हेउची कौन ना अव्ययर विशेषण। केउं काले एहा हेउची कौन ना अव्यय विशेषण। बेले बेले कौन है था ना विशेष्य पद मध्य विशेषणर पद भाव व्यवहृत होता है सेतबेले ताहाकु वैशेषिक विशेषण बोली कहा जाए। काठ पोल बन्यारे भासीगला काठ होची कौन ना विशेष्य पद ये जो विशेष्य पद को विशेषित करुथिबारु एगुड़ी होची कौन ना विशेषण पद काठ सुना लुहा भाकुर लेंबू ए समस्त विशेष्य पद हेले विशेष्य पद को विशेषित करुथिबारु एगुड़ी होती विशेषण पद। शेष पॉइंट रही तुलनात्मक विशेषण तुलना बुझाऊ जो गोटिकिया पद ताकि कौन ना तुलनात्मक विशेषण। तुलनात्मक विशेषण संज्ञा कौन ना दुईटी विशेषण मध्य तुलना हेले मूल विशेषण को छाड़ी अर्थात कौन ना प्रथम रूप को छाड़ी अन्य दुईटी रूप तुलनात्मक विशेषण हूँ प्रथम दुईटा रूप को छाड़ी अन्य जो दुईटी रूप ताकि कौन प्रथम रूप को छाड़ी अन्य दुईटी रूप ताकि तुलनात्मक विशेषण। आमर जो ओडिया भाषा रे तुलना करा जिबा क्षेत्र रे ठारू सबुठारु ए जो शब्दर प्रयोग होता दुईटी मध्य तुलना बेले तर एवं दुई रु अधिक मध्य जत बेले तुलना करा जाए सेत बेले तम शब्दर प्रयोग करा जाए। वेद हेउची मानव सभ्यतार प्राचीनतम ग्रंथ ये हूँ कौन प्राचीनतम तुलनात्मक विशेषण। जदि आम गोटे मूल विशेषण शब्द देखा गुरु दुई मध्य जो तुलना करवा कब ना गुरुतर जदि आम अनेक मध्य तुलना करवा कौन ना गुरुतम। से हीपर भाव जो देखा क्षुद्र दुई मध्य तुलना कले क्षुद्रतर जितेबले अनेक मध्य तुलना करा जाए दुई रु अधिक मध्य कौन ना क्षुद्रतम। ये हूँ विशेषण संपर्क आलोचना
जहाँकि वर्तमान आम आलोचना कले। जदि आपण मानक आज आलोचना भल लगी थाए ताहले लाइक करूँ निज सांगसाथी मानक सेयार करूँ एवं चैनल टी सब्सक्राइब करूँ जहाँफल कि प्रति भिडर नोटिफिकेसन आपण मानक यथाशीघ्र पहुँची पार। थैंक यू।